आम जनता को काफी कुछ उम्मीदें होती है बजट से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आकाओं से चूक हो ही जाती है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में क्या कुछ सौगात ला रहा है अरुण जेटली का जादुई बक्सा और क्या उम्मीदें हैं आम जनता की, आइए देखते हैं। बजट से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन फिर भी जो हो जाए वो ही बहुत है। आम आदमी की उम्मीदें तो घर के किचन से शुरू होती है। GST कम करेंगे और कुछ सस्ता सामान होगा। कॉमन मैन के लिए सही हो रहे, मतलब खर्चा करने में और सारा स्पेंडिंग में ठीक रहे। बजट ऐसा बने कि सभी के लिए अच्छा। जो LPG का जो राइज है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आम आदमी को थोड़ा घर से फायदा होना शुरू हो जाएगा। जो लेबर काम करती है उनके वेलफेयर लिए अच्छा हो। एक आम आदमी को इनकम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ पॉजिटिव होगा सब कुछ। सुरक्षा और सिक्योरिटी हो ताकि वो बिल्कुल सेफ फील कर सके रोड्स पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जेटली साहब एक बहुत फ्रेंडली बजट निकालेंगे जिससे कोई अगला साल हम लोगों का अच्छा बीते। तो अभी आपने देखा आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं आम जनता को। बजट 2018 की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी वकार अहमद के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकमत न्यूज हिंदी।